नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिका किचन में। मैं श्वेता आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल। गणेश जी का फेवरेट स्वीट्स यानी कि मोदक की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने राइस फ्लोर लिया है, चावल का आटा, ये 1.5 कप के लगभग चावल का आटा है। साथ में हमें स्टफिंग के लिए चाहिए घिसा हुआ नारियल, जगेरी पाउडर, थोड़ा सा चीनी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ जगेरी पाउडर में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ जगेरी पाउडर में बना सकते हैं। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर काजू बादाम मैंने डाला है और इलायची लिया है। इसका मैं कूट के इसका पाउडर बनाऊंगी और फिर इसका इस्तेमाल करूंगी। सारे काजू को इस तरह से पहले आप खोल के चेक कर लीजिएगा, पूजा का प्रसाद बना रहे हैं तो इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है। तो मैंने सारे को खोल के चेक कर लिया है, मैं फ्रेश लेके आई थी मार्केट से, पर फिर भी मैं पहले इसको चीर के चेक कर लिया। अब मैं चावल का आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के लिए एकदम गर्म पानी का इस्तेमाल हमें करना है। जितना चावल का आटा लेना है उतना ही हमें पानी का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, आप चाहे तो गैस ऑन करके भी इसे बना सकते हैं आटे को, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम खौलता हुआ पानी लिया और स्पून की सहायता से इसे मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है, हाथ से मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से स्पैचुला ले लीजिए या फिर स्पून ले लीजिए, उससे आप मिक्स कर लीजिए। हल्का सा बस मिक्स करना है, बाकी इसे ढक के रेस्ट के लिए हमें रख देना है। 10 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक करेंगे। जब तक हमारा ये आटा रेस्ट कर रहा है हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए कढ़ाई में मैंने घी डाला है। घी जब मेल्ट हो जाए, 1 चम्मच के लगभग मैंने घी डाला है। घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे नारियल, जो घिसा हुआ नारियल पाउडर है वो हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा देर इसे रोस्ट नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट पर तक इसे हम रोस्ट करेंगे। साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसे भी इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। पहले से ही आप इसे क्रश करके रख लीजिए ताकि आपका थोड़ा टाइम बचेगा। मुझे बहुत टाइम लग गया था, मैंने क्रश करके पहले से नहीं रखा था तो इसे क्रश करने में मुझे बहुत टाइम लगा। आप चाकू की सहायता से भी इसे क्रश कर सकते हैं, पर ये इसे क्रश करने से थोड़ा बारीक चॉप होता है, इसीलिए मैंने इसे क्रश कर लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के लगभग चीनी, और यहाँ पे 1 कप भर के मैं जगेरी पाउडर डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जगेरी पाउडर डालते ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसे अच्छे से हाथ से मैश करेंगे ताकि इसका शुगर और जो इसका जगेरी पाउडर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, गीला हो जाए और ये अच्छे से बाइंडिंग हो पाए इसमें। अगर फिर भी बाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क या फिर दूध डाल सकते हैं। ये मैं ज़्यादा गीला नहीं कर रही हूँ, मुझे ये थोड़ा सा ऐसे ही दरदरा भुरभुरा ही चाहिए था, इसलिए मैं ज़्यादा गीला इसको नहीं कर रही हूँ। बाद में मैं इसमें मिक्स करूँगी आटा। अब हम मिक्स कर लेते हैं। आटा मिक्स करने के लिए सबसे पहले जो ढक के हमने रखा था वो ढक्कन हटा के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हुआ कि नहीं। इस तरह से गोल आप बना के देखिए, ये जब तक फटेगा नहीं आप समझ लीजिए कि ये एकदम बनने के लिए परफेक्ट है। मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोदक मोल्ड लिया है और उसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। सबसे पहले उसे घी से ग्रीस कर लेंगे, इसके बाद उसमें मोदक डालेंगे। ग्रीसिंग के लिए आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपके मोदक में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। चलिए इस तरह से हमने इसे ग्रीस करके इसमें जो राइस फ्लावर था वो मैंने डाल दिया है। बीसिंग फिंगर की सहायता से मैंने इसे होल करके और इसमें स्टफिंग जितना जाएगा उतना हम इसमें हल्के हाथों प्रेस करके डाल देंगे और फिर से थोड़ा सा आटा लेके हम इसे होल को बंद कर देंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। और इसको अब खोल के चेक करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। ये मोदक मोल्ड थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बड़ा बड़ा पीस में बन के तैयार हो रहा है,
और मोदक मोल्ड से अच्छा मुझे हाथ से बनाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस सेप का थोड़ा सा ये था कि डिज़ाइन आपको हाथ से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका भी मैं उपाय आपको बताऊंगी। पहले एक और मैं मोल्ड में बना के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से फिर से मैंने स्टफिंग डाल दिया है और ये मोदक मैंने बना के निकाल लिया है। ये देखिए, चलिए अब मैं हाथ से बना के आपको दिखा रही हूँ। गणेश चतुर्थी पे आप ज़रूर इसे घर पे बनाइएगा। अपने हाथ से जब गणपति बप्पा को कोई भी चीज़ या कोई भी भगवान का पूजा हो, तो अपने हाथ से जब बना के हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो ज़्यादा खुशी मिलती है। ये फर्स्ट टाइम मैं मोदक बना रही हूँ, पता नहीं मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया है और ना ही मैं इसको टेस्ट की हूँ कि कैसा होता है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, आई होप अच्छा बने। चलिए इस तरह से मैंने हाथ से इसको सेप देख के बना लिया है। आप देख सकते हैं हाथ से भी बनाना बहुत आसान है, और जब आपको इसमें सेप देना है तो आसानी से दे सकते हैं, पर इसके ऊपर जब आपको डिज़ाइन बनाना है तो ये फॉक की सहायता से आप इस तरह से आप इसमें डिज़ाइन बना सकती हैं। तो लीजिए, सारा मोदक हमारा रेडी है। अब इसे हमें करना है स्टीम, लेकिन उससे पहले कुछ और काम हमें करना है, वो कर लेते हैं ताकि मोदक में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। घी को मेल्ट करके हम थोड़ा थोड़ा घी इस पर डालेंगे, और इसके बाद इस पर केसर डालेंगे। सारे मोदक पे घी डालने के बाद केसर डालेंगे तो वो चिपकना आसान हो जाएगा, और केसर जब घी के साथ केसर का फ्लेवर अच्छा सा आएगा जब स्टीम करेंगे। तो सारे मोदक के ऊपर घी के बाद मैं केसर लगा रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो लगाइए, ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए अब स्टीम के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है जिसमें होल है। अगर आपके पास स्टीमर है आप उसमें भी बना सकते हैं। इसमें आसानी से सारे मोदक एक साथ बन जाएंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर एक गीला टॉवल डाल दिया मैंने, और सारे मोदक को मैं इसमें डाल दूंगी। लेकिन उससे पहले आप स्टीम करके पानी को पहले से पानी को अच्छे से खौला के रखिए, और ये मोदक डाल के लो फ्लेम पर 15 मिनट आप इसे स्टीम होने दीजिए। 15 मिनट हो गया है, मैं इसे चेक कर रही हूँ। मोदक में आप देख सकते हैं इस पर जो केसर डाला है वो अच्छे से पिघल के इसका कलर अच्छा सा आया है। 3 से 4 मिनट मैं इसे और रखूँगी, थोड़ा सा मुझे ये हार्ड लग रहा है। 3-4 मिनट हो गए हैं, सारे मोदक हमारे बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो रेडी है आपका गणपति बप्पा का मोदक। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी ये मोदक ज़रूर बनाइए, बहुत आसान है इसे घर पर बनाना, और मेरे साथ अपना वीडियो ज़रूर शेयर करिए। बाय बाय।